कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर बर्बाद होने का शौक सवार हो तो वो सही और गलत में फर्क नहीं देख पाता है और वो सिर्फ वही देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। कुछ यही हाल मध्य प्रदेश में कांग्रेसी नेताओं के हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार कांग्रेस का सफाया करती जा रही है। केंद्र या किसी बड़े राज्य के तो छोड़िए, उत्तर पूर्व के एक छोटे से राज्य की जिला परिषद तक का चुनाव कांग्रेस से नहीं जीता जा रहा है और मध्य प्रदेश में ही पिछले 20 साल से भाजपा सत्ता में है। लेकिन कांग्रेसी नेताओं के दावे देखेंगे तो सर पकड़ लेंगे। कुछ ऐसा ही दावा किया है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता फूल सिंह बरैया ने। ग्वालियर में हुई कांग्रेस की बैठक के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया ने फिर अपना दावा दोहराते हुए अपने ही अंदाज में कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा 50 से ज्यादा सीटें जीत लेती है तो मैं भोपाल में राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर लूंगा। उन्होंने कहा कि यह बात लिखकर मैंने भाजपा नेताओं के अलावा अन्य लोगों को भी दे दी है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया इस तरह का बयान पहले भी देकर चर्चाओं में आ चुके हैं। बरैया ने कहा है कि किसी भी हालत में मध्य प्रदेश में बीजेपी 20 से ज्यादा सीटें नहीं लाएगी। इसका कारण यह है कि अल्पसंख्यक दलित मुस्लिम वोट पूरी तरह नाराज हैं, क्योंकि उन पर लगातार कार्रवाई और झूठी FIR की जा रही हैं। बरैया के इस बयान के बाद उनके बगल में बैठे दिग्विजय सिंह उनका मुंह देखते रह गए। बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव के लिए दोनों पार्टियों की रणनीति का केंद्र ग्वालियर बना हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी की रणनीति के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में रणनीति तैयार करने में लगी हुई है। वहीं हाल ही में यहां हुई कांग्रेस की एक बड़ी बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सहित संभाग के सभी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। वहीं इस सवाल पर कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, बरैया ने कहा कि कांग्रेस के पास सिर्फ कमलनाथ ही हैं और वही मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में 2023 का चुनाव होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।